ये मानवता नहीं है। बीसलपुर पाइपलाइन से पानी भरने के झगड़े में दो परिवारों में भयंकर मारपीट, बुजुर्ग महिलाएं बच्चों तक पे लाठियों से हमला, खून रिसता रहा और मारपीट होती रही। गांव के अन्य लोग जमा हुए, तब जाके मामला थमा, आरोपी पक्ष के कई लोग गिरफ्तार हुए। खबर जानते हैं विस्तार से। जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में आने वाले तुंगा थाना इलाके में भयंकर मारपीट के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। कई लोगों का मेडिकल करवाया और मारपीट करने वाले पक्ष के करीब 9 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। मारपीट करने वालों ने महिला, बुजुर्गों और यहां तक कि बच्चियों तक को भी नहीं बख्शा। कुछ घायलों का इलाज जयपुर के SMS अस्पताल में भी चल रहा है। तुंगा पुलिस के दोनों पक्षों की ओर से शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि विवाद सोमवार का था। बीसलपुर पेयजल पॉइंट से पानी भरने का विवाद कब गंभीर मारपीट में बदल गया पता ही नहीं चला। पीड़ित पक्ष ने आशीष ने केस दर्ज करवाया। पड़ोसी गोपाल सिंह, किशोर सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ लाठी और सरियों से मारपीट करने के आरोप लगे हैं। वीडियो में ये लोग मारपीट करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। आरोप है कि घर में घुस के भयंकर मारपीट की गई है। सोशल मीडिया पर 3 से 4 वीडियो वायरल हो रहे हैं। उधर SMS अस्पताल और अन्य जगहों पर भर्ती घायलों से मिलने के लिए समाज के लोग भी पहुंचे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी तत्काल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अन्य की तलाश जारी है।